इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली से अहम खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रोड मैप तैयार होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे कमेटी की पहली बैठक आयोजित होगी। 2 सितंबर को मनाई गई थी 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रोड मैप तैयार होगा। आज सुबह 11 बजे कमेटी की पहली बैठक आयोजित होने जा रही है। 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और इसको लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है। स्पर्श शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, 11 बजे कमेटी की पहली बैठक आयोजित होने जा रही? देखिए बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज बड़ी बैठक दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर ये बैठक होती हुई नजर आएगी। सरकार ने 2 सितंबर को एक कमेटी जो है गठित की थी और उसमें सीधे तौर पर जो है अलग अलग नाम जो है सरकार लेकर आई थी कि ये लोग जो है उच्च स्तरीय कमेटी में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वेगवाल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लॉ सेक्रेटरी की बात करें या फिर अन्य सदस्यों की बात की जाए, तमाम लोग जो है इसमें देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में आते हैं नहीं आते हैं महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनका भी नाम शामिल किया गया था लेकिन उन्होंने बाद में इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। और इस कमेटी की बात करें तो ये कमेटी जो है कई विशेष पहलुओं पर जो है जो अपना ध्यान है वो आकर्षित करती हुई जो है नजर आएगी। यानी एक एक चुनाव एक देश में कराने के लिए किस तरीके के जो कानून और संशोधन है वो करने की जरूरत होगी, वो जो है देखती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो विशेष जो संशोधन होंगे उसको लेकर सिफारिश भी कमेटी जो है करती हुई नजर आ सकती है। और चूंकि हम देखते हैं कि अभी तक देश में एक साथ चुनाव नहीं होते हैं, अलग अलग विधानसभाएं चुनाव होती हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि कई बार दल बदल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, त्रिशंकु सदन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये तमाम स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इन तमाम मसलों को लेकर जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। तो स्पर्श में बता रहे कौन कौन से प्रमुख एजेंडे हो सकते हैं इस बैठक के और यही वजह है कि अब महत्वपूर्ण बैठक, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्पर्श।